हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निशियन में आपका स्वागत है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है एम ऑक इंजन। तो इसका क्या है, रॉकर वगैरह टूट गए हैं, आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, ये देखो ठीक है, रॉकर टूट गए हैं। और शायद इसका ऑयल पम्प का प्रेशर कम रहा होगा। और मैं इसकी जानकारी दे दूँ, इस गाड़ी को कभी भी रिवर्स में धक्का या धक्का मार के स्टार्ट नहीं करना है। अगर स्टार्ट करोगे तो ये इसकी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। और उस गाड़ी को करीब 1 लाख 1 लाख 10 हज़ार किलोमीटर चल जाए, उसके बाद टाइमिंग चाहिए, देख सकते हैं चेन वगैरह पड़ी है, सब चेंज करा देना चाहिए। टाइमिंग चेंज वगैरह है, चेंज करा देना चाहिए। इसमें ऑयल प्रेशर कम होने की वजह से इसमें स्केचिंग भी आ गया, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा स्केचिंग है, पूरा जो है फिर चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, आप धक्का मार के और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो बार बार सेल्फ नहीं मारना चाहिए। अगर मारोगे देख लो कितना नुकसान हो गया है। तो ये जानकारी थी, जितने स्कॉर्पियो लोवर हैं भाई, ध्यान रखना गाड़ी को रिवर्स में धक्का मारना, आगे धक्का मारना, झटका देना, ये सब काम नहीं करना है। गाड़ी अगर सेल्फ से ही लेना है, आराम से लाना है। और गाड़ी को अगर स्टार्ट नहीं होती है तो बार बार सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। दिखाएंगे आप, थैंक यू। इसके लॉकर है, बाहर निकालिए लॉकर, लॉकर पड़ी है। उसके बाद गियर लगा दिया है, वो देखो क्रैंक गियर, ये देखो 90 डिग्री रखना है। और सेल्फ के नीचे एक लॉक होता है, वो लॉक करना है। ये लॉक हो गया, देख रहे हो मेरा हाथ, ये लॉक है, ये जस्ट सेल्फ है, इसके बगल में है, इसमें क्या है, इंजन लॉक हो जाता है। लग गया पूरा रॉकर कंप्लीट। ऑयल डालेंगे तो सेंसर वाली साफ्ट है, देखो सामने टिप भाई कैमसर पड़ी है, सेंसर जस्ट लगा देंगे उसमें, गैसकेट नहीं लगता है। ये इतना हाई टेम्पर देखो, ग्रेटिव एन अमाउंट है, बहुत अच्छा वाला है। टेप लगा देखो, दोनों टेस्ट लग गया पूरा, डाल की पकड़ लग गया। बोर्ड लगाएंगे इसके बाद, ये देखो इसमें 3 कट होते हैं, एक ये कट है, एक साइड में है, एक इधर है, तो नीचे नहीं होता है, तो बीच वाला कट ऐसे बीच में रखना है। और इसको क्या है, थोड़ा टेढ़ा चला गया, इसलिए दोबारा खोल रहे हैं, तो इसको घुमाना है, बस ये ध्यान देना है पक्का, ये कट बीच वाला ऊपर होना चाहिए। और लगाने के बाद इसको घुमाना नहीं, ज़्यादा घुमाओ रोको फिर तोड़ देगा दोबारा, ये लूज करके फिर घुमा के फिर इसको लगाना है। देखो ऊपर सही है, देखो दोनों इधर भी कटे, दोनों कट 3 कट होते हैं, नीचे कट नहीं होता है, साइड में होते हैं, ऊपर होता है, ऊपर रखना दोनों। ये फाइनली सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं, देख सकते हैं आप, करीब 26 बोल्ट है। और जो इसके पीछे कैप है वो लगे चेक कर लेना, सही है, टेढ़े तो नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं, फिर दोबारा बता दूँ हमको, ये गलती नहीं करना, ये भी सॉफ्ट लगाते हो
इसका ये कट जो है ऊपर रहना चाहिए दोनों का। अगर एक कट ये नीचे हो जाता है गलती से, ये दोबारा टेपर खोलना है, खोल के लूज करके घुमा के तब सेट करना है। अगर जबरदस्ती करोगे तो रॉकेट दोबारा फिर तोड़ देगा। तो ध्यान रखना, देखो ये किधर कट है, ये किधर कट है, बीच में ये हेड है, नीचे इसके कट नहीं होता है। इधर जो कट है इधर भी है, इधर भी ऊपर है, नीचे कट नहीं है। ऊपर जो कट है एक सिंगल कट, जो तीन कट है, एक दो तीसरा ऊपर वाला, ये ऊपर रखना है। ठीक है, ध्यान रखने के बाद बाकी चैन अंदर लग चुकी है ये अपना पंप की। तो चैन लगा रहे, टाइमिंग चैन अभी सामान इधर रखा, फिर कहाँ गया वो अंदर? ऐसे है, ऐसे है, लेकिन ऐसे हो गया। ये चैन ऊपर को है, ये नीचे ऊपर है, ये नीचे लगेगा, और एक ही बोल्ट के ऊपर है, एक बोल्ट है इसमें, ये और नीचे वाला टेंशनर है, छोटा वाला लगा है, छोटा टेंशनर, ये बड़ा टेंशनर है। टेंशनर लॉक है, ये लग गया, देखो टेंशनर है, ये देखो दो बोल्ट हो गया, ये छोटा टेंशनर इधर 10 के एलन की लगती है, 6 की एलन की नहीं लगती। देखो टेंशनर एक ही दोबारा, और ये टेंशनर है लग गया, ये की का अप मार्क है, देखो वही है, वो लॉक कर दो, ये लॉक हो गया, टाइमिंग है, बस ये टाइमिंग सेट हो गया आपका। ये निकाल दिया क्या? ये देखो बराबर हो गया, देखो उसके की मदद से कट बराबर होना चाहिए ऊपर का दोनों बराबर। उसके बाद ये लॉक कर सकते हैं। जो कार दोनों को, हाँ सब मैं वो मंगाऊँ था, मल्टीपर्पज वाला 2023 तीन साल का सॉफ्टवेयर अपडेट सही है, मंगाओ मंगाओ, हम भी देखे सही साल कैसे काम करते हैं। हाँ तो हिलना नीचे है, बिल्कुल लॉक करके टाइट कर देना है बस। तो हम तो छोटी मोटी चीज़ तो ये देखो लग गया है टेंशनर, एक और ऊपर ये सेल के नीचे होता है, ये से की होता है, और ये लॉक कर दो, ये लॉक होता है ऐसे, देखो ये देखो डिपस्टिक की है, जहाँ डिपस्टिक का एंड होता है वहीं पे पास में होल है, वो होल से लॉक करते हैं उसको। देखो मैंने तो लगा है, तीन लग गए प्लग पर बोले, मैंने सर्च किया इंडिया मार्ट वाला फोन कवर क्या रहा है, ये लो लग गया चौथा प्लग। बहुत सर आपको कौन कौन सा चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए? मतलब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जो ये प्योर रेल है टच कर दिया, उसका फॉल्ट है वो रेल नहीं, सबसे बड़ी प्योर रेल है, प्रॉब्लम ये हमारे पास कि हम एरेज कुछ नहीं कर रहे, चेंज के ऊपर चेंज किए, देखा इंजन टाइट हो गया। Thank you.
ये अमाउंट फिक्स लग गया इसमें। अच्छा ये पंप है छोटा छोटा टाइप का, वो तो कहीं नहीं जाएगा आपके फायदे के लिए। तो लग गया, तैयार हो गया, सस्ता हो जाता है, बड़ा रहता है, टाइम बचता है, सब कुछ है, टोटो चॉइस टाइप। जितना इस गाड़ी को पैसा लगा उससे तो नई गाड़ी नहीं आती। नीचे पूरी लग गई है, फॉर्च्यूनर है, ब्रेक दबा के रखो, ब्रेक हाँ टायर करो, पुली पुली टायर हो गई, क्रैंक पुली, क्रैंक पुली टायर हाँ दबा के रखना ब्रेक, ओके। चैन टेस्टनर है, बेल्ट टेस्टनर, बेल्ट चढ़ गया है, अभी बेल्ट चढ़ गया है, अभी कवर और फैन है वो लगाना है, कवर और फैन। लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, क्लॉकवाइज ही खुलता है, कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन है, ये फैन है, दोबारा बता देता हूँ, क्लॉकवाइज खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है टाइट होगा, ये कूलिंग फैन है, ये देखो ये तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।